दोस्तों, आज की कहानी है द शेफर्ड्स ट्रेजर, यानी कि एक शेफर्ड का खजाना। एक बार की बात है, ईरान के किसी एक गांव में एक शेफर्ड रहता था, जो बहुत ही पुअर था। उसके पास अपने खुद का रहने के लिए घर या झोपड़ी तक नहीं थी, ना ही वो पढ़ा लिखा था। लेकिन बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वह लोगों के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता था और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें समस्याओं से निकालने का सामर्थ्य रखता था। जो भी कोई उसके पास आते, वह उनके लिए मदद करता। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी वॉइस एडवाइसेस दूर दूर तक फैलने लगी और राजा तक भी, उस राज्य के राजा तक भी उस शेफर्ड की वॉइस के बारे में, बुद्धिमानी के बारे में खबर लगी। राजा ने उस शेफर्ड से मिलने की ठानी और राजा ने भी एक शेफर्ड का रूप बनाया और एक टट्टू को साथ में ले करके उस शेफर्ड से मिलने के लिए गए। दूर से किसी राहगीर को आता देख शेफर्ड खड़ा हुआ, उन्हें अपने पास बुलाया, अपनी गुफा में बुलाया और उनका बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिलाया, साथ में खाना खिलाया और रात रुकने का आग्रह किया। इन सभी चीज़ों से राजा बहुत ही खुश हुए और चूंकि राजा बहुत दूर से आ रहे थे, थक गए थे, तो उन्होंने रात में शेफर्ड के साथ में ही रुकने की ठानी। रात राजा वहीं पर रुककर जब सुबह उठे, सुबह जाने के लिए इजाज़त मांगी और उन्होंने शेफर्ड का बहुत ही धन्यवाद किया कि वास्तव में शेफर्ड जो है बहुत ही कूल, हम्बल और वाइस पर्सन है, और उन्होंने उसका धन्यवाद कर वहाँ से जाने के लिए परमिशन जैसे ही मांगी तो शेफर्ड ने जवाब दिया कि आप यहाँ पर आए, आपने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये कॉम्प्लीमेंट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। राजा इस जवाब से बहुत ही खुश हुए और उन्हें लगा कि इस तरह के लोग को तो मेरे साथ में मेरे साथ में काम करना चाहिए। और राजा ने उस हम्बल शेफर्ड को अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनने के बाद उस शेफर्ड को बहुत सारी पावर्स मिल गई। पावर्स के साथ में उसे एक डेजिग्नेशन यानी कि पद भी मिल गया, लेकिन फिर भी वह शेफर्ड उतना ही हम्बल, उतना ही बुद्धिमान था और उसी तरह से लोगों का सम्मान करता। साथ में उन लोगों की, जो भी लोग उससे मिलने आते, उन सभी की समस्याओं का समाधान भी करता था। धीरे धीरे उस शेफर्ड की ख्याति और बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो इतना फेमस हुआ कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स तक भी उसकी बात पहुंची और वो गवर्नर्स उससे जलने लगे। धीरे धीरे उन गवर्नर्स ने, दूसरे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने राजा के पास जा कर के कहा कि ये जो शेफर्ड है, इसको आपने, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको आपने गवर्नर बना दिया, वास्तव में ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, ये एक बेईमान व्यक्ति है। ये हमेशा अपने साथ में एक बक्सा, एक पेटी रखता है और जब भी कोई पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता है, टैक्स का पैसा जो भी कलेक्ट करने के लिए जाता है, उसे हमारे खजाने तक पूरा नहीं पहुंचाता, उसमें से कुछ पार्ट ये अपने उस बक्से में रख लेता है। शुरू में राजा ने इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बहुत सी कहानियाँ, ऐसी बहुत सी चुगलियाँ उन जेलस गवर्नर्स ने इस शेफर्ड गवर्नर के लिए की। तब राजा ने एक दिन उस शेफर्ड को बुलाया और कहा कि जाओ अपने साथ में अपना वो जो बक्सा है वो लेकर के आओ और मुझे वो बक्सा अभी के अभी आपका देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपने उसमें क्या छुपा करके रखा है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप हमेशा साथ में लेकर के चलते हो। वो गवर्नर ने बात को समझा और तुरंत अपने एक साथी से कहा कि वो जाए और जा करके उस बक्से को लेकर के आए। राजा के सभा में उस बक्से को लाया गया और शेफर्ड ने जैसे ही उसे खोला, उसमें ना ही पैसे थे, ना ही सोना था, ना ही चांदी थी, ना ही कोई गहने थे, बल्कि एक पुराना सा ब्लैंकेट था।
और उस ब्लैंकेट को लेकर के उस शेफर्ड ने अपने हाथ में उठाया और उसने कहा कि महाराज, यही मेरा खजाना है, इस पेटी में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राजा ने यह देखा, सभा में जितने भी लोग थे राजा के, उन सभी ने यह चीज़ देखी। वो इस गवर्नर के लिए, इस शेफर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा और हम्बल हो गए और उन सभी का सम्मान इस शेफर्ड के लिए बढ़ गया। राजा ने तुरंत पूछा कि तुम अब गवर्नर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें इतना पद है, इतना सम्मान है, उसके बाद भी तुम ये पुराना सा ब्लैंकेट लेकर के क्यों चलते हो साथ में? जहाँ भी जाते हो हमेशा ही ब्लैंकेट लेकर के ही जाते हो, ऐसा क्यों? तब उसने कहा कि महाराज, आप ये गवर्नर का जो पद मुझे दिया है, ये तो आप कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन ये ब्लैंकेट मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है, और ये मेरा साथ कभी भी छोड़ेगा नहीं, चाहे आप मुझसे ये पद ले लें। इस तरह से बहुत ही हम्बल और अच्छा जवाब सुन करके, उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय उसे एक बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। और इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हम्बल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए और स्वाभिमानी होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।